से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, में आपके साथ दीपक। सरिता विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में अर्चना योगायतन द्वारा एक योग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों ने भाग लिया। वहीं अर्चना योगायतन के संस्थापक सत्यनारायण यादव ने लोगों को योग सिखाया। ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही योग कला का आज पूरी दुनिया अनुसरण कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फिल्मी सितारे तक आज योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश में योग का विस्तार करने के लिए वर्तमान सरकार ने आयुष मंत्रालय का निर्माण किया, जिसकी नीतियों के अनुसार अर्चना योगायतन देश के कोने कोने में न सिर्फ योग सिखा रही है बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है। आज अर्चना योगायतन ने सरिता विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में योग सेशन रखा, जिसमें हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। यूं तो अर्चना योगायतन ने यहां 5 वर्ष पहले ही योग की कक्षा शुरू कर दी थी, लेकिन संस्था के संस्थापक सत्यनारायण यादव यहाँ अक्सर आते हैं और लोगों को योग सिखाते हैं। आपको बता दें, सरिता विहार में कई सारे पार्क हैं जहां हर रोज योग सेशन होते हैं। सत्यनारायण यादव ने इस जगह को योग के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहां हर उम्र के लोग सूर्योदय के दौरान पार्क में भ्रमण के लिए आते हैं। अब आइए सत्यनारायण यादव व यहां मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि योग से उन्हें क्या कुछ लाभ मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं सरिता विहार के एक डीडीए पार्क में। वैसे तो यहां बहुत सारे पार्क हैं और ये डिस्ट्रिक्ट पार्क जिसमें हम मौजूद हैं, यहां अर्चना योगायतन द्वारा एक योग सेशन का आयोजन किया गया है। हालांकि इस सेशन की शुरुआत 5 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अर्चना योगायतन के जो संस्थापक हैं सत्यनारायण यादव जी, वो अक्सर यहाँ आते हैं, योग क्लासेस देते हैं और योग करने का तरीका यहाँ लोगों को बताते हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, सुबह 6:30 बजे का वक्त है, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए, जो ये सेशन आप रख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे पार्क्स हैं, हर जगह सेशन चल रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है इसका, आपने ये एरिया क्यों चुना? देखिए, अर्चना योगायतन का जो मिशन है, जो अभियान है कि देश के हर कोने कोने में योग पहुँचाना है, उसी अभियान के तहत हम लोग सरिता विहार को भी चुने थे कि यहाँ पर 5 साल पहले इस डिस्ट्रिक्ट पार्क में योग शिविर के रूप में नियमित कक्षा चलाई गई थी, जो आज तक बिना अवरोध के चल रही है। और उसके लिए श्रेय जाता है यहाँ की टीम, विष्णु अग्रवाल जी, अशोक गुप्ता जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, भंडारी जी, शुभ्रा जी और वगैरह लोग, जो यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद इतना नियमित रूप से क्लास चला रहे हैं कि यहाँ के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है यही था कि जन जन तक पहुँचाना है, गाँव गाँव तक। सरिता विहार को आज हम योग विहार के नाम से कह सकते हैं कि ये कॉलोनी दिल्ली की एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ हर पार्क में योग होता है और हर लोगों को योग करने की इच्छा पैदा हो गई है। तो योग पार्क में जो है तब्दील हो चुके हैं यहाँ के पार्क, और इस पार्क में आपको बता दें कई जिम भी लगे हुए हैं, सरकार द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस, कितनी कैसा फील होता है, क्योंकि आप युवा हैं, आप जिम भी जा सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपने योगा किया है। सर, नेचुरल चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, इसीलिए हमें योगा करें जैसे हमारे लिए अच्छा होता है, और योगा से हर एक बीमारी का इलाज हो जाता है। वैसे जैसे मैं अपने आप को लूँ तो मुझे भी थायराइड था और बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, जब से मैंने योगा ज्वाइन किया इट्स फाइन, बहुत लाभदायक है। मेरा शुगर था और गैस का प्रॉब्लम था, 6 महीने से मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल में हो गया बिल्कुल। मैं पहले पार्क तो आता था, घूमता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था। योग जब से मैंने योग क्लासेस स्टार्ट की हैं सर के सानिध्य में, जब से फिर मुझे काफ़ी अपने आप में भी सुधार महसूस हुआ है।
सर योग तो बहुत फ़ायदेमंद है, मैं पिछले 3 साल से योग कर रही हूँ, मेरा वेट काफ़ी लूज़ हुआ, मुझे नींद भी बहुत अच्छी से आती है और बहुत बेनिफिट होता है। मैं 1.5 साल से गुरु जी के चरण में आया हूँ और मेरे बीपी शुगर दोनों ही बराबर ख़त्म हो गए। मैं यहाँ पे 2.5 साल से कर रही हूँ सर, और लोगों को कराती भी हूँ। लोगों को कराते हैं? हाँ जी सर। कहाँ कराते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट पार्क में कराती हूँ, ई ब्लॉक में भी कराती हूँ। और मैं एक ही बोलूँगा, योगा जो है वो मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे को 11 साल है, मैं बहुत ही कमी कभी कभार बीमार पड़ता हूँ। उससे पहले मैं काफ़ी बीमार पड़ता था, गले का प्रॉब्लम होता था। जब से योगा करने लगा हूँ मेरा जो बीमारी बहुत कम हो गया है, बहुत ही मैं कम दवा इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो भी ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर को जितने भी जो पार्टिसिपेंट, इनको मैं धन्यवाद करता हूँ जो मानवता के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। अर्चना, योग आयतन से ही मैंने योग सीखा है और उसमें बारीकियाँ बहुत हैं, उन बारीकियों को सिखाना हमारा उद्देश्य है। गलत सभी लोग योग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कोई गलत कहता है, हम गलत नहीं कहते उनको, उनके गुरु ने उनको वैसा ही सिखाया इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। योग की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। तो आप कैसे इंस्पायर हुए इससे? और हमने सुना कि आप इंस्पायर होने का आपने प्रश्न किया है, तो हमारी अर्चना योग आयतन डॉक्टर एस एन यादव ने यहाँ पर एक सेंटर खोला सरिता विहार में, जब मुझे पता लगी तो मैंने उसको ज्वाइन किया और उसके बाद में लगातार उनसे जुड़ा रहा। बहुत बढ़िया सिखाया जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं सब लोग, और योगा से कम इतना फ़ायदा मिला है कि मेरे को 3 साल हो गए और 3 साल से मैंने 2 रुपये की गोली नहीं खाई कभी, ना बीमार हुआ, इतना फिट है, एक बढ़िया नींद आना, बढ़िया खाना भोजन करना। कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आपके अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है महिला को इतनी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, लेडीज़ को, अगर वो थोड़ा सा भी टाइम निकाल के आएँ और इसमें अपने अपनी बॉडी के लिए, अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, घर का काम कर पाएंगे। सभी लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, योग से पुरानी बीमारी तो ठीक हो जाती हैं और बीमारियां लगती भी नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो ट्रेंडिंग में चल रही है, पोल्यूशन, दिल्ली में जहरीली हवा फैल रही है, तो इस पर एक योगा टीचर के तौर पर आप कुछ ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बचा जा सके? देखिए, प्रदूषण हो चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक हो चाहे मैन मेड हो, हम लोगों ने तैयार किया है, उन हालात को तो हम नहीं दूर कर सकते, जैसे गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश है, लू चलती है, लेकिन उन परिस्थितियों में जैसे हम बारिश होते छतरी ले सकते हैं या अंदर चले जाते हैं, गर्मी लग रही है तो ठंडी जगह पर छाए में चले जाते हैं। सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? उसी तरह से पोल्यूशन में योग ऐसा करता है, हम उस विषय पर आ रहे हैं कि योग क्या करता है कि हमारे शरीर को इतना स्ट्रांग, दृढ़ बना देता है कि कोई चीज़ हमारे पर असर कर ही नहीं सकती, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, प्रदूषण कुछ नहीं कर सकता। यानी योग करके इतना स्ट्रांग बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, पोल्यूशन बीमारी पकड़ ही नहीं पाएगा, रोगों से लड़ने की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम कह सकते हैं कि मैं बिना मास्क का कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये नहीं कि मैं, प्रदूषण बहुत अच्छी चीज़ है, प्रदूषण दूर करें हम लोग, लेकिन प्रदूषण में भी हम को कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, न कोई बीमारी आ सकती है। आपको बता दें, इस योग सेशन के दौरान सत्यनारायण यादव ने यहाँ मौजूद लोगों को CPR ट्रेनिंग भी दी। इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों ने सत्यनारायण यादव से योग से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे, जिनका जवाब यादव जी ने बड़ी मधुरता के साथ दिया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे CPR प्रक्रिया क्या होती है, इसके जरिए आप कैसे मृत व्यक्ति में जान डाल सकते हैं। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CPR एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सांस ना ले पाने या हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। CPR एक आपातकाल स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। CPR में बेहोश या मृत व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं, जिससे उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलती है। सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक उसकी छाती को जोर जोर से दबाया जाता है, जिससे शरीर में
पहले से मौजूद खून संचालित हो जाता है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के माध्यम से अर्चना योगायतन ने अपनी पूरी टीम का धन्यवाद किया, साथ ही उनकी टीम ने बताया कि वो कैसे योग के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। देखिए, जैसे अर्चना योगायतन का लक्ष्य है कि जगह जगह पूरे देश में योग को फैलाना है, प्राकृतिक चिकित्सा को फैलाना है, तो हम कहीं ना कहीं शिविर से शुरू करते हैं और उसको हम बोलते हैं वहाँ के लोगों को शिक्षित करके कि यहाँ को इसको लगातार जारी रखिए। इसी प्रकार से सरिता विहार में 5 साल पहले जो शुरुआत की गई थी शिविर की, उसके कर्ता धर्ता आज एक तरह से हैं विष्णु अग्रवाल जी, और विष्णु अग्रवाल जी ने पूरा जिम्मा लिया हुआ है, इसको एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, चाहे रविवार हो चाहे कोई त्यौहार हो, यहाँ नियमित शिविर चलती है। और उनकी टीम है, मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, भंडारी जी हैं, शुभ्रा जी हैं, और भी लोग हैं जो इस क्लास को नियमित रूप से चलाते हैं और विधिवत चलाते हैं। लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं जरूर आऊँगा। क्लास बाधित नहीं हुई है, क्लास बाधित नहीं हुई है और टीम है, सब चलाते रहे। तो सुबह कितने बजे आप यहाँ आते हैं? हमारा टाइम यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेके और 7 बजे तक है। हमारी टीम में यहाँ सफाई की प्रॉब्लम है, 3 लोग हैं जो सुबह 5:45 बजे आते हैं, 15 मिनट यहाँ पर पोछा लगाते हैं, तो हम योग शुरू करते हैं 6 बजे। अब सहयोग मेरा ये रहता है मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ और फिर इसको साफ सफाई करा करके सब रेडी कर दूँ और फिर सब लोगों को इन्वाइट करता रहता हूँ कि आप आइए योग करिए और योग से ज़्यादा लाभ होगा आपको। इसलिए मैं हर जो भी कोई मिलता है मैं हर को बुलाता रहता हूँ कि आइए आप हमारे यहाँ संस्थान पर। यहाँ सबसे पहले आके साफ़ सफाई का ध्यान रखना और सबको जैसे इधर उधर होते हैं सबको इकट्ठा करके जब तक गुरुजी आ ही जाते हैं सब मिलके योग करते हैं। हम लोग सब्जी ओवरऑल सब चीज़ देखते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। अभी आपने देखा इतने सारे लोग हैं, सबको मोटिवेट करते हैं और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है सब देखते हैं और यहाँ पर बढ़ाते रहते हैं लोगों को। अभी कम से कम 170-200 लोग हैं हमारे ग्रुप में, तो आते रहते ऑफ ऑन ऑन। बहुत सारे लोग जो जुड़े थे शुरू शुरू में वो चले गए, लेकिन उनको भी इन्फॉर्मेशन जाती है, सर नए नए पोस्ट डालते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो हम लोग दूसरों को भेजते हैं, अपने अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स को भेजते हैं, अपनी कंपनीज में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ सबको भेजते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं चाहता हूँ कि हमारी अर्चना योगायतन को जो टीम है, हमारे अर्चना योगायतन सबसे पहले ये सिखाता है कि नेचुरोपैथी योग सीखने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, तो हम लोग ये सिखाते हैं कि एक सेवा भाव से करना है, निस्वार्थ भाव से करना है, और वही ये टीम कर रही है। हम लोग केवल आज के युग में कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग अपनी दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग दिल से समर्पित भाव से सेवा भाव से करते हैं। नहीं तो यहाँ सफाई करना, यहाँ बिस्तर लगाना, सबको बुलाना एक दो दिन 4 दिन कर सकता, कोई 5 साल 10 साल नहीं कर सकता, और हम लोग आजीवन करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी टीम ऐसी है कि हम लोग आजीवन करने भी योग से शुरुआत करी थी, ऐसी ही शुरुआत करी थी, आज वो नंबर वन बिजनेसमैन में शुमार हैं। तो अगर आप भी वहाँ पहुँच गए तो उन लोग याद करेंगे आप? देखिए, हमारा काम ना तो शंकराचार्य बनना है, ना नेता बनना है, ना बिजनेसमैन बनना है। हम लोग यही सिखाते हैं सबको कि हम लोग को एक सामान्य प्राणी के रूप में समाज की सेवा सच्चे मन से करना है। ना तो ये पॉलिटिकल फोरम है, ना स्पिरिचुअल फोरम है, ना कोई बिजनेस मैन बनना है, किसी को नहीं बनना। ना रामदेव, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वो भी धन और धनोपार्जन करके योग को बढ़ावा दे रहे हैं, नेचुरोपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग यहाँ गुरु कहते हैं, बहुत जगह हमने इंटरव्यू लिए, लोग आपको गुरु मानते हैं, आप किसको गुरु मानते हैं? मैं इन सब लोगों को गुरु मानता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं रहते तो मैं अकेले गुरु बन के क्या करूँगा। तो कहते हैं कि गुरु तो सबका ईश्वर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये लोग इस विद्या को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी बात को मान करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मुझे इन लोगों से प्रेरणा मिलती है, तो मेरे गुरु तो ये लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा भाव से ये योग सिखा रहे हैं पूरे देश विदेश में, देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं, ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर योग की ज़रूरत है और वहां इस तरह के सेशन लेते हैं, निःशुल्क, निस्वार्थ और बिना किसी सरकारी अनुदान के। कहते हैं जिस रोग का इलाज अंग्रेजी दवाओं व एलोपैथिक दवाओं से नहीं हो पाता, उसका इलाज आयुर्वेद से संभव है। अगर आपको जल्दी और थोड़े वक्त के लिए ठीक होना है तो एलोपैथिक दवाओं और अंग्रेजी इलाज का सहारा लें, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे और जिंदगी भर के लिए दुरुस्त होना है तो आप आयुर्वेद व योग की शरण ले सकते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए परवीन की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है योग। अगर आप भी किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप भी योग का सहारा ले सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।